नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने पीसी से स्क्रीनशॉट विंडोज़ का स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमको अपने कीबोर्ड पे आपको देखना होगा कि एक की होगा प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको आपको प्रेस करना है। एक बार आपको प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपको जहाँ भी वो विंडोज़ की जो स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको चाहिए, आपको वहाँ पर जाना है। यहाँ पे हम विंडोज़ वर्ड पे चले जाते हैं, वर्ड पेड में, और वहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट हम कर लेते हैं और ये आ गया। हम इसको सेव भी कर सकते हैं दोस्तों। पीसी में एक एंडबिल जो कि स्क्रीनशॉट लेने का एप्स विंडोज़ 8 में है, यहाँ पे हम उसको सर्च कर लेते हैं। सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ पे ऐप को हम सर्च कर लेते हैं स्निपर टूल। स्निपिंग टूल जी हाँ, स्निपिंग टूल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू कैंसल और ऑप्शन आ गया है। अगर आप न्यू में चले जाएंगे तो आपको और चार ऑप्शन दिखेगा। जो पहला ऑप्शन है जो आप अपने चॉइस के अनुसार आप सिलेक्शन विंडोज़ का जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे उसका कर सकते हैं। दूसरा जो है आप रेक्टेंगल के साइज़ में आप कर सकते हैं। तीसरा जो कि करेंट विंडो आपका जो ओपन होगा उसका आप कर सकते हैं। और चौथा जो फुल स्क्रीन है वो आपका विंडोज़ की जो फुल स्क्रीन है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसको दोस्तों आप सेव करना चाहे तो उसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं, और इरेजर की मदद से आप कोई भी भाग निकाल देना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, और सेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव हम कर लेते हैं, यहाँ जेपीजी फाइल में भी आप सेव कर सकते हैं, और उसको इमेज के ज़रिए आप किसी को भी सेंड भी कर सकते हैं। मैं जेपीजी फाइल में सेव कर लेते हैं। जी हाँ, ये सेव हो गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है दोस्तों। मिलते हैं अगली बार नया वीडियो लेके। बाय बाय।